जो शख्स इस बार एक पहला बयान देते हैं कि उज्जवल निकम देशद्रोही है, जिनको शहादत मिली हमारे पुलिस ऑफिसर करकरे जी की, वो कसाब या अबू इस्माइल की गोली से नहीं मरे, लेकिन कोई आरएसएस के बंदे ने उनको मार डाला। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं एक पुलिस ऑफिसर, रिटायर पुलिस ऑफिसर ने एक किताब लिखी, उसके आधार पर वो कह रहे हैं। यानी इसका मतलब है, आप जो जिनको करकरे जी की इंसल नहीं तो तोहिम कर रहे हैं। अगर भाई आप उस वक्त तो आपका राज था ना, पर मिर्ची में मेरी उम्मीदवारी घोषित होने के बाद आपको ये नया शोध लग गया, मिर्ची लग गई, सिर्फ तुम्हें प्रोपोगंडा करना है, और वो भी गोबेल्स प्रोपोगंडा। उससे निकम की कोई बदनामी नहीं होती है। कसाब को मारने वालों में आरएसएस के लोग थे, और उनको बचाने के लिए उज्जवल निकम ने काम किया। पहले तो खुद बयान दिया उन्होंने, फिर कल कह रहे हैं कि एक किताब का हवाला दे रहे हैं, ऐसा मुस्लिम खुद उनकी सरकार और हाईकोर्ट तक नकार चुके हैं। देखिए, जो शख्स इस बार एक पहला बयान देते हैं कि उज्जवल निकम देशद्रोही है, और उसके लिए आधार लेते हैं कि जो जिनको शहादत मिली हमारे पुलिस ऑफिसर करकरे जी की, वो कसाब या अबू इस्माइल की गोली से नहीं मरे, लेकिन कोई आरएसएस के बंदे ने उनको मार डाला। फिर दूसरे दिन जब हमने इस पर हल्ला कर दिया, ये स्टेटमेंट पे हमने जो हमने अटैक किया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं एक पुलिस ऑफिसर, रिटायर पुलिस ऑफिसर ने एक किताब लिखी, उसके आधार पर वो कह रहे हैं। मुझे दुख इस बात का है कि अपोजिशन लीडर, जिसको पूरी मालूमात नहीं, कई किताब जो सच मान के चलता है उसके आधार पर बेबुनियाद आरोप करना, यानी इसका मतलब है, आप जो जिनको करकरे जी की इंसल नहीं तो तोहिम कर रहे हैं। सर, ये खुद भी उस समय मंत्री थे जब ये पूरी घटना हुई थी, और उसके बाद जब बाकी जांच रिपोर्ट आई थी और ये किताब आई थी, तब सरकार ने उस रिपोर्ट को नकारा था, बॉम्बे हाईकोर्ट में भी इस किताब का हवाला दिया, हाईकोर्ट ने भी नकारा था, तो खुद मंत्री रहते हुए क्या इनको पता नहीं लगा उस समय? नहीं, पता लगना न लगना ये बात अलग है। हम जुडिशियल फाइंडिंग देखे, जुडिशियल फाइंडिंग क्या है कि कसाब ने इकबाली बयान में कह दिया है कि मैं और मेरा दोस्त कामा हॉस्पिटल के बाहर आ रहे थे, तब हमको एक पुलिस जीप दिखी, हमने फायरिंग शुरू कर दिया, उसमें 3 पुलिस ऑफिसर मारे गए, उनकी डेड बॉडीज हमने पीछे डाल दी और हम जीप लेके गए। और ये पूरा वाकया देखने वाला जो चश्मदीद गवाह थे, उसे हमने एग्जामिन किया, वो कोई पुलिस वाला नहीं था, एक ड्राइवर था जो गाड़ी रिवर्स ले रहा था, उसने चश्मदीद गवाह ली है, नंबर 3। तीसरा, पुलिस जो गाड़ी में था, वो जीप में जो करकरे जी के साथ चल रहा था, साड़ेस्कर के साथ जा रहा था, उसका भी बयान हुआ। अगर भाई आप उस वक्त तो आपका राज था ना, पर मिर्ची में मेरी उम्मीदवारी घोषित होने के बाद आपको ये नया शोध लग गया, मिर्ची लग गई। अरे भाई, कहा क्या आरोप कर रहे हैं, पाकिस्तान क्या कहेगा? अब तक पाकिस्तान ने कभी नकारा नहीं है कि करकरे और 3 पुलिस अफसर जिनको शहादत मिली वो मानते हैं, क्योंकि हमने जुडिशियल प्रूफ दिया है। लेकिन हमारे जनाब सिर्फ राजनीति सियासी कर रहे हैं, देखो ये गलत है। तुम्हारी देश की प्रतिष्ठा, देश की इज्जत, देश की सुरक्षा, इस पर कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ तुम्हें प्रोपोगंडा करना है, और वो भी गोबेल्स प्रोपोगंडा। उससे निकम की कोई बदनामी नहीं होती है, बदनामी तो आपको ही होगी, और आपकी पूरी जनता ये 20 मई को दिखा देंगे कि इस तरह से झूठे अंजाम लगाने वाले को, हमारा देश का हर नागरिक का इंसल्ट करने वाले को जनता उसकी जगह दिखा देगा। बड़े तिवार ने बोला कांग्रेस के लोग चुप है, लेकिन विपक्ष की जो बाकी पार्टियां हैं, जो लोग हैं, वो भी एक तरीके से चुप रहे कि उनका समर्थन नहीं कर रहे, आपको लगता है? नहीं, समर्थन की बात नहीं है, वो इसको ज्वाइन नहीं हो रहे, इसका मतलब तू अकेला कुछ भी बक, इसका मतलब यही है, वो नहीं आना चाहते। हम तो राह देख रहे, और कितने ऐसे झूठे अंजाम, फिर देखेंगे हम क्या करना है। हमें, हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे हाई एक्सप्लोजिव मटेरियल, वी विल एक्सप्लोर इट एट अप्रोप्रिएट टाइम। सर, एक्सप्लोसिव मटेरियल्स 26/11 को लेकर के हैं या कांग्रेस ने? नहीं, ये तो मैं नहीं बताऊंगा। देखो, उनको आरोप कर दो, जो एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन लीडर इस बात करता है कि मैंने पहले बोले ये तो यह है, देशद्रोही है, उसको जेल में डालना चाहिए, और यह है वो है, अरे भाई फिर आप कोर्ट में क्यों नहीं गए? जाना था ना कोर्ट में, नहीं गए, क्योंकि मालूम था कि हर भारतीय का आप इंसल्ट कर रहे हैं। अब बोल रहे आप,
सर, जम्मू कश्मीर में एयरफोर्स की काफिले पे हमला हुआ, कुछ जवान शहीद भी हुए, कुछ घायल भी हैं, लेकिन विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि चुनाव आते ही आतंकी हमले बढ़ जाते हैं और इस तरीके होता है। और फारूक अब्दुल्ला तो यहाँ तक का, जब तक पाकिस्तान से बातचीत नहीं तब तक आतंकी हमले नहीं रुकेंगे। देखिए, ये मेरे बहुत अब्दुल्ला जी मान रहे हैं कि पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है, और ये हमारे जनाब कह रहे कि ये भी झूठा चल रहा है। लेकिन राजनीति सियासी बात करो, लेकिन कुछ मुद्दे पे करो। इस तरह से जनता के मन में आप पॉइजनिंग करो, जनता को मूर्ख बना पे। जनता मूर्ख नहीं है, जनता तो आपको दिखाएंगे। आप तो अपोजिशन लीडर, आप तो MLA है ना, चुनाव तो आपका भी आएगा 6 महीने के बाद, फिर क्या होगा? सर, चुनाव आते ही आतंकी हमले होते हैं, इस बात का जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, उस पर आप क्या बोलते हैं? अरे भाई, ऐसा इसका मतलब क्या है? ये आप उनको पूछो जो हमला करता है। आपकी उनकी साठगांठ है क्या? आप मिली भगत है क्या? वो आपको कहते हैं क्या कि चुनाव आया है, हमको BJP गवर्नर मोदी सरकार ने कहा है आतंकी हमला करो? ऐसा है तो ऐसा बताओ। जैसे आप कह रहे हैं ना कि हमें मालूम है कि RSS, अरे भाई आपने RSS का आदमी नहीं किया है, मारा है, तो सबूत दो, कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करो। बेबुनियाद आरोप करना ये ठीक नहीं है।